देवी देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण। श्री भगवान बोले, चंडी 20 भुजाओं से विभूषित होती हैं। वो अपने दाहिने हाथों में शूल, खड्ग, शक्ति, चक्र, पाश, खेट, आयुध, अभय, डमरू और शक्ति धारण करती हैं। बाएं हाथों में नागपाश, खेटक, कुठार, अंकुश, पाश, घंटा, आयुध, गदा, दर्पण और मुंदर लिए रहती हैं। अथवा चंडी की प्रतिमा 10 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। उनके चरणों के नीचे कटे हुए मस्तक वाला महिष हो, उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो, वो हाथों में शस्त्र उठाए हो, उसकी ग्रीवा से एक पुरुष प्रकट हुआ हो जो अत्यंत कुपित हो, उसके हाथ में शूल हो, वो मुंह से रक्त उगल रहा हो, उसके गले की माला, सिर के बाल और दोनों नेत्र लाल दिखाई देते हों, देवी का वाहन सिंह उसके रक्त का आस्वादन कर रहा हो, उस महिषासुर के गले में खूब कसकर पाश बांधा गया हो, देवी का दाहिना पैर सिंह पर और बायां पैर नीचे महिषासुर के शरीर पर हो। ये चंडी देवी त्रिनेत्र धारिणी है तथा शस्त्रों से संपन्न रहकर शत्रुओं का मर्दन करने वाली हैं। नौ कमलात्मक पीठ पर दुर्गा की प्रतिमा में उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले कमल के नौ दलों में तथा मध्यवर्तिनी कर्णिका में इंद्र आदि दिक्पालों की तथा नौ तत्वात्मिकता शक्तियों के साथ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा जी की एक प्रतिमा 18 भुजाओं की होती है। वो दाहिने भाग में हाथों में मुंड, खेटक, दर्पण, तर्जिनी, धनुष, ध्वज, डमरू, ढाल और पाश धारण करती हैं तथा वाम भाग की भुजाओं में शक्ति, मुद्गर, शूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, बाण, चक्र और शलाका लिए हुए रहती हैं। 16 बाह वाली दुर्गा की प्रतिमा भी इन्हीं आयुधों से युक्त होती है। 18 में से दो भुजाओं तथा डमरू और तर्जिनी, इन दो आयुधों को छोड़कर शेष 16 हाथ उन पूर्वोक्त आयुधों से ही संपन्न होते हैं। रुद्रचंडा आदि नौ दुर्गाएं इस प्रकार है: रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा और अति चंडिका। ये पूर्वादि 8 दिशाओं में पूजित होती हैं तथा नवी उग्र चंडा मध्य भाग में स्थापित एवं पूजित होती हैं। रुद्रचंडा आदि 8 देवियों की अंग कांति क्रमशः गोरोचना के सदृश पीली, अरुणवर्णा, काली, नीली, शुक्लवर्णा, धूम्रवर्णा, पीतवर्णा और श्वेतवर्णा हैं। ये सब की सब सिंहवाहिनी हैं। महिषासुर के कंठ से प्रकट हुआ जो पुरुष है वो शस्त्रधारी है और ये पूर्वोक्त देवियां अपनी मुट्ठी में उसका केश पकड़े रहती हैं। ये नौ दुर्गाएं आल्हिड़ा आकृति की होनी चाहिए। पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के लिए इनके स्थापना एवं पूजा करनी उचित है। गौरी ही चंडिका आदि देवियों के रूप में पूजित होती हैं। वे ही हाथों में कुंडी, अक्षमाला, गदा और अग्नि धारण करके रंभा कहलाती हैं। वे ही वन में सिद्धा कही गई हैं। सिद्धा अवस्था में वे अग्नि से रंगित होती हैं। ललिता भी वे ही हैं। उनका परिचय इस प्रकार है: उनके एक बाएं हाथ में गर्दन सहित मुंड है और दूसरे में दर्पण, दाहिने हाथ में फलांजलि है और उससे ऊपर के हाथ में सौभाग्य की मुद्रा। लक्ष्मी के दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में श्रीफल होता है। सरस्वती के दो हाथों में पुस्तक और अक्षमाला शोभा पाती है और शेष दो हाथों में वीणा धारण करती हैं। गंगा जी की अंग कांति श्वेत है। वे मकर पर आढ़ूर हैं। उनके एक हाथ में कलश है और दूसरे में कमल। यमुना देवी कछुए पर आरूढ़ हैं। उनके दोनों हाथों में कलश है और वे श्याम वर्णा है। इसी रूप में इनकी पूजा होती है। तंबरू की प्रतिमा वीणा सहित होनी चाहिए। उनकी अंग कांति श्वेत है। शूल पाणी शंकर वृषभ पर आढ़ूर हो मातृकाओं के आगे आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री गौरवर्णा एवं चतुर्मुखी है। उनके दाहिने हाथों में अक्षमाला और सुर्ख शोभा पाते हैं और बाएं हाथों में वे कुंड एवं अक्षपात्र लिए रहती हैं। उनका वाहन हंस है। शंकर प्रिया पार्वती वृषभ पर आढ़ूर होती हैं। उनके दाहिने हाथों में धनुष बाण और बाएं हाथों में चक्रधनुष शोभित होते हैं। कौमारी शक्ति मोर पर आरूढ़ होती हैं। उनकी अंग कांति लाल है। उनके दो हाथ हैं और वो अपने हाथों में शक्ति धारण करती हैं। लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति अपने दाएं हाथों में चक्र और शंख धारण करती हैं तथा बाएं हाथों में गदा एवं कमल लिए रहती हैं। वाराही शक्ति भैंसे पर आरूढ़ होती हैं। उनके हाथ दंड,
शंख, चक्र और गदा से सुशोभित होते हैं। इंद्र शक्ति ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होती हैं। उनके सहस्र नेत्र हैं तथा उनके हाथों में वज्र शोभा पाता है। इंद्र देवी पूजित होने पर सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। चामुंडा की आंखें वृक्ष के खोखले की भांति गहरी होती हैं। उनका शरीर मांस रहित कंकाल दिखाई देता है। उनके तीन नेत्र हैं। मांसहीन शरीर में अस्थि मात्र ही सार है। केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं। पेट सटा हुआ है। वे हाथी का चमड़ा पहनती हैं। उनके बाएं हाथों में कपाल और पट्टिश हैं तथा दाएं हाथों में शूल और कटार। वे शव पर आरूढ़ होती हैं और हड्डियों के गहनों से अपने शरीर को विभूषित करती हैं। विनायक गणेश की आकृति मनुष्य के समान है, किंतु उनका पेट बहुत बड़ा है। मुख हाथी के समान है और सुंड लंबी है। वे यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उनके मुख की चौड़ाई 7 कला है और सुंड की लंबाई 36 अंगुल। उनकी नाड़ी, गर्दन के ऊपर की हड्डी 12 कला विस्तृत और गर्दन 1.5 कला ऊंची होती है। उनके कंठ भाग की लंबाई 36 अंगुल है और गुहा भाग का घेरा 1.5 अंगुल। नाभि और उरु का विस्तार 12 अंगुल है। जांघों और पैरों का भी यही माप है। वे दाहिने हाथों में गजदंत और फरसा धारण करते हैं तथा बाएं हाथों में लड्डू एवं उत्पल लिए रहते हैं। स्कंद स्वामी मरूर पर आरूढ़ हैं। उनके उभय पार्श्व में सुमुखी और विडालाक्षी मात्रका तथा शाख और विशाख अनुज खड़े हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। वे बाल रूपधारी हैं। उनके दाहिने हाथ में शक्ति शोभा पाती है और बाएं हाथ में कुक्कुट। उनके 1 या 6 मुख बनाने चाहिए। गांव में उनके अर्चा विग्रह को 6 अथवा 12 भुजाओं से युक्त बनाना चाहिए, परंतु वन में यदि उनकी मूर्ति स्थापित करनी हो तो उसके 2 ही भुजाएं बनानी चाहिए। कौमारी शक्ति की 6 दाहिनी भुजाओं में शक्ति, खड्ग, गदा और तर्जनी मुद्रा ये अस्त्र रहने चाहिए और 6 भागों में ये अस्त्र रहने चाहिए और 6 बाएं हाथों में मोरपंख, धनुष, खेट, पताका, अभय मुद्रा तथा कुक्कुट होने चाहिए। रुद्र चर्चिका देवी हाथी के चर्म धारण करती हैं। उनके बाएं मुख और 1 पैर ऊपर की ओर उठे हैं। वे दाएं बाएं हाथों में क्रमशः कपाल, कर्तरी, शूल और पाश धारण करती हैं। वे ही देवी अष्टभुजा के रूप में भी पूजित होती हैं। मुंडमाला और डमरू से युक्त होने पर वे ही रुद्र चामुंडा कही गई हैं। वे नृत्य करती हैं, इसलिए नाटेश्वरी कहलाती हैं। ये ही आसन पर बैठी हुई चतुर्मुखी महालक्ष्मी की तामसी मूर्ति कही गई है, जो अपने हाथों में पड़े हुए मनुष्यों, घोड़ों, भैंसों और हाथियों को खा रही है। सिद्ध चामुंडा देवी के 10 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। ये दाहिने भाग के 5 हाथों में शस्त्र, खड्ग तथा 3 डमरू धारण करती हैं और बाएं भाग के हाथों में घंटा, खेटक, खटवांग, त्रिशूल और ढाल लिए रहती हैं। सिद्ध योगेश्वरी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इन्हीं देवी की स्वरूप भूता एक दूसरी शक्ति है, जिनकी अंग कांति अरुण है। ये अपने दोनों हाथों में पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा भैरवी नाम से विख्यात हैं। रूप विद्या देवी 12 भुजाओं से युक्त कही गई हैं। ये सब की सब शमशान भूमि में प्रकट होने वाली तथा भयंकर हैं। इन 8 देवियों को अम्बाष्टक कहते हैं। क्षमा देवी शिवाओं, श्रृगालियों से आवृत हैं। वे एक बूढ़ी स्त्री के रूप में स्थित हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। मुंह खुला हुआ है, दांत निकले हुए हैं तथा ये धरती पर घुटनों और हाथ का सहारा लेकर बैठती हैं। उनके द्वारा उपासकों का कल्याण होता है। यक्षिणियों की आंखें स्तब्ध, एकटक देखने वाली और बड़ी होती हैं। शाकिनियां वक्र दृष्टि से देखने वाली होती हैं। अप्सराएं सदा ही अत्यंत रमणीय एवं सुंदर रूप वाली हुआ करती हैं। इनकी आंखें भूरी होती हैं। भगवान शंकर के द्वारपाल नंदीश्वर एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे में त्रिशूल लिए रहते हैं। महाकाल के एक हाथ में तलवार, दूसरे में गदा सिर, तीसरे में शूल और चौथे में खेट होना चाहिए। भृंगी का शरीर कृश होता है। वे नृत्य की मुद्रा में देखे जाते हैं। उनका मस्तक कुष्मांड के समान स्थूल और गंजा होता है। वीरभद्र आदि गण हाथी और गाय के समान कान और मुख वाले होते हैं। घंटा कर्ण के 18 भुजाएं होती हैं। वे पाप और रोग का विनाश करने वाले हैं। वे बाएं भाग के 8 हाथों में वज्र, खड्ग, दंड, चक्र, बाण, मुसल, अंकुश और मृदुंग
तथा बाएं भाग के 8 हाथों में तर्जनी, खेट, शक्ति, मुंड, पाश, धनुष, घंटा और कुठार धारण करते हैं। शेष 2 हाथों में त्रिशूल लिए रहते हैं। घंटा की माला से अलंकृत देव घंटाकर्ण विस्फोटक, फोड़े, फुंसी एवं चेचक आदि का निवारण करने वाले हैं। सूर्यादि ग्रहों तथा देखपाल आदि देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षणों का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन 7 अश्वों से जुते हुए 1 पहिए वाले रथ पर विराजमान सूर्यदेव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। भगवान सूर्य अपने दोनों हाथों में कमल धारण करते हैं। उनके दाहिने भाग में दावात और कलम लिए दंडी खड़े हैं और वाम भाग में पिंगल हाथ में दंड लिए द्वार पर विद्यमान हैं। ये दोनों सूर्य देव के पार्षद हैं। भगवान सूर्य देव के उभय पार्श्वों में बाल व्यंजन चमर लिए राज्ञी तथा निष्प्रभा खड़ी हैं। अथवा घोड़े पर चढ़े हुए एकमात्र सूर्य की ही प्रतिमा बनानी चाहिए। समस्त दिक्पाल हाथों में वरद मुद्रा, 2-2 कमल तथा शस्त्र लिए क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में स्थित दिखाई जाने चाहिए। 12 दलों का एक कमल चक्र बनावे। उसमें सूर्य, अर्यमा आदि नाम वाले 12 आदित्यों का क्रमशः 12 दलों में स्थापन करें। यह स्थापना वरुण दिशा एवं वायव्य कोण से आरंभ करके नैऋत्य कोण के अंत तक के दलों में होनी चाहिए। उक्त आदित्यगण 4-4 हाथ वाले हों और उन हाथों में मुंदर, शूल, चक्र एवं कमल धारण किए हों। अग्निकोण से लेकर नैमित्त से वायव्य तक, वायव्य से ईशान तक और वहां से अग्निकोण तक के दलों में उक्त आदित्यों की स्थिति जाननी चाहिए। 12 आदित्यों के नाम इस प्रकार हैं: वरुण, सूर्य, सृहांशु, धाता, तपन, सविता, गभस्तिक, रवि, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और विष्णु। ये मेष आदि 12 राशियों में स्थित होकर जगत को ताप एवं प्रकाश देते हैं। ये वरुण आदि आदित्य क्रमशः माघ शीर्ष मास या वृश्चिक राशि से लेकर कार्तिक मास या तुला राशि तक के मासों एवं राशियों में स्थित होकर अपना कार्य संपन्न करते हैं। इनकी अंग कांति क्रमशः काली, लाल, कुछ कुछ लाल, पीली, पांडुवर्ण, श्वेत, कपिल वर्ण, पीत वर्ण, तोते के समान हरी, धवल वर्ण, धूम्र वर्ण और नीली हैं। इनके शक्तियां 12 दल के कमल के केसरों के अग्रभाग में स्थित होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: इडा, सुषुम्मा, विश्वार्ची, इंदु, प्रमदिनी, प्रवर्धिनी, प्रहर्षिणी, महाकाली, कपिला, प्रबोधनी, नीलांबरा, वनांतस्था, धनांतस्था और अमृताख्या। वरुण आदि की जो अंग कांति है वही इन शक्तियों की भी है। केसरों के अग्रभागों में इनके स्थापना करें। सूर्यदेव का तेज प्रचंड और मुख विशाल है। उनके 2 भुजाएं हैं। अपने हाथों में कमल और खड्ग धारण करते हैं। चंद्रमा कुंडिका का तथा जपमाला धारण करते हैं। मंगल के हाथों में चंद्रमा कुंडिका तथा जपमाला धारण करते हैं। मंगल के हाथों में शक्ति और अक्षमाला शोभित होती है। बुध के हाथों में धनुष और अक्षमाला शोभा पाते हैं। बृहस्पति कुंडिका और अक्षमाला धारी हैं। शुक्र का भी ऐसा ही स्वरूप है, अर्थात उनके हाथों में भी कुंडिका और अक्षमाला शोभित होती है। शनि किडंगणी सूत्र धारण करते हैं। राहु अर्धचंद्र धारी हैं तथा केतु के हाथों में खंग और दीपक शोभा पाते हैं। अनंत, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक आदि सभी मुख्य नागगण सूत्रधारी होते हैं। फन ही इनके मुख हैं। ये सब के सब महान प्रभापुंज से उद्धासित होते हैं। इंद्र वज्रधारी हैं। ये हाथी पर आरूढ़ होते हैं। अग्नि का वाहन बकरा है। अग्निदेव शक्ति धारण करते हैं। यम दंडधारी हैं और भैंसे पर आरूढ़ होते हैं। निरीति खड्गधारी हैं और मनुष्य उनका वाहन है। वरुण मकर पर आरूढ़ है और पाश धारण करते हैं। वायुदेव वज्रधारी हैं और मृग उनका वाहन है। कुबेर भेड़ पर चढ़ते हैं और गदा धारण करते हैं। ईशान जटाधारी हैं और वृषभ उनका वाहन है। समस्त लोकपाल द्विभुज हैं। विश्वकर्मा अक्ष सूत्र धारण करते हैं। हनुमान जी के हाथों में वज्र है। उन्होंने अपने दोनों पैरों से एक असुर को दबा रखा है। किन्नर मूर्तियां हाथ में वीणा लिए हों और विद्याधर माला धारण किए आकाश में स्थित दिखाए जाएं। पिशाचों के शरीर दुर्बल
कंगाल मात्र हूँ, वेतालों के मुख विकराल हूँ, क्षेत्रपाल शूलधारी बनाए जाएं, प्रेतों के पेट लंबे और शरीर कृश हों।